ये शराब चढ़ी थी। हाँ, और इसका हाँ क्या, अभी घर पे जाके पीने का? हाँ इसको पी भी सकते हो या बांट भी सकते हो या प्रसाद के रूप में कन्वर्ट हो। वन वर्ल्ड वन राइट। गुड गुड, मिसल पाव। क्या खा रहे हो? मिसल पाव, तेरे को मालूम है ये मिसल पाव के अंदर पोहा डाले? देखने दो। देख देख, इसमें ना पोहा डाले है, अजीबी जी लग रहा है। इडली डूब गया है। हाँ, मेन्दू वड़े में पेपी काका के पेपा हो गए। How do you feel? Crazy. It was crazy. Like such a great bike and such a great personality. So, nice. So I think it's a dream come true for him. Yeah. It was a pleasure meeting him and knowing him. He's from Thane. It just we feel so happy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for keep loving him and follow him. I don't know about the voice, but okay. So I have reached. Guess where I have reached? और अपना दर खातिरदारी चालू हो गया है। अभी हम ऐसे ऐसे अंगूर खाना। यहाँ पे पूरा हेल्दी खाना। और हेल्दी खाना थैंक्स टू डीजे। After a very long time, coming back in action. Hi, hello everybody. और डीजे भाई is gonna. Good to see you all. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज देवेशीष। एंड थोड़ा कल गोची हो गया। माय सेना सम हाउ रिकॉर्डेड द जर्नी बट डिडंट रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन विच आई वाज व्लॉगिंग। बहुत दिन के बाद ये सब इक्विपमेंट यूज करेगा तो ऐसे ही होता है। एंड आई वाज क्वाइट अपसेट एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट व्लॉग नथिंग। एंड देन बाद में बैटरी भी डाउन हो गया था। सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड मैं एक्चुअली मूड ऑफ हो गया था। एंड देन आई रियलाइज आई हैव अ सेशन ऑल्सो, गोप्रो सेशन। अभी तक तो धोखा नहीं दिया है एंड होपफुली दो आगे जाके धोखा भी नहीं देगी। बहुत इमोशनल स्टॉक हुए थे बिकॉज आई वॉज राइडिंग अलोन। अकेला राइड करने का भी बहुत अच्छा मजा आया which I realized and that was the best time, both emotional talk I was doing. The reason I was so upset because I wanted to connect to my lovely audience and I was quite emotional about it. So thoda upset ho gaya, koi nahi, new day, fresh day, fresh start and hopefully I'm gonna do well with this session. From here I'm gonna go to DJ's house and from there we're gonna move to Ujjain. Initially plan was we were supposed to ride there, lekin mera back ka condition dekhke we're gonna go in the car. Tabhi I'll keep you updated and let's enjoy. Love you all. Thank you.
दुकान ही दिया मेरा वो पोलो स्टेशन। डीजे तो पापी के सो भी गया वापस हैं तो उठाता हूं ना उसको। लोन इज नॉट लोके फॉर मजबूरी नॉट एवरी टाइम क्या आदत नहीं रखनी थी किसका राइडिंग अलोन हैं क्या मतलब क्या मतलब एक अगर वाह वाह ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू उज्जैन इन अ गाड़ी डीजे उज्जैन। अभी पहले हम लोग मंगलनाथ जाएंगे हाँ उसके बाद में काल भैरव हाँ फिर उसके बाद हरसिद्धि हाँ फिर टाइम मिला तो चिंतामन गणेश हाँ और उसके बाद में हम जाएंगे फाइनली रात के बाद भस्मारती के लिए महाकाल मंदिर जिसके लिए देवू देवानी विनायक और अंशुल अंशुल त्रिशूल अंशुल त्रिशूल उज्जैन हाँ मतलब कि शिव जी को साथ में लेके तीर्थ यात्रा की सवारी पे निकले हैं। एक्चुअली हम लोग बाइक में जाने वाले थे लेकिन बाद में मेरे कमर का हालत देख के है हाँ भाई सही है रात को तो तू आड़ा टेढ़ा हुआ था। हाँ यार बहुत आड़ा टेढ़ा हो गया था यार तो चलो एंजॉय द राइड राइड क्या ड्राइव एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। चाय ब्रेक चाय 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 वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला मस्तक के पसीने से जन्म हुआ इनका अनाज से दान चढ़ता है घर की। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये बकरा है ना हाँ इस बकरे के कान में बोलते हैं बकरी। हाँ क्या अभी बंद कर दिया हमने। हाँ वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना इसलिए बकरे के कान में क्या बोलने का रहता है। हाँ क्या पहले ये बकरा इधर अरे नहीं यार बकरा थोड़ी चेंज कर रहे पॉलिसी चेंज किया है, है? हाँ। चालू है। ये शंकर भगवान है तो शिवलिंग हाँ। है हाँ। तो मंगल मंगल मंगलनाथ जी शिव जी का ही रूप है। हाँ क्या हाँ डन लगा लगा ठीक है लगा शाम का भी आएगा तू लगा ना काहे सिर दुखता है ठीक है से नो टीका ए टीका लगा नहीं नहीं रुक रुक हाँ भैया दे रहे हो क्या शराब चढ़ी थी हाँ? और इसका क्या अभी घर पे जाके पीनेगा। हाँ इसको पी भी सकते हो या बांट भी सकते हो या प्रसाद के रूप में कन्वर्ट हो। हाँ लेकिन नहीं पीने का रहता है मालूम है। हाँ नहीं पीने का रहता सबके अपनी अपनी धारणा है किसी को पीने का रहता है किसी को नहीं पीने का रहता। पंडित जी को पूछें क्या कि क्या करते हैं कुछ डीजे ये बुके सराफा मेला कमरी मार्ग पे वो अपने उस भोला गुरु के खाना खाते हैं ना
अच्छा सुन ना डीजे, अभी जरा तू ये भोले बाबा का जरा विशेषता बता दे जरा दर्शकों को, अपने काल भैरव। काल भैरव जो है ये भी महाकाल के रूप है और ये एक्चुअल में उज्जैन के सेनापति है। उज्जैन की जो कहना चाहिए जो बॉर्डर है उसका ध्यान रखते हैं, क्षेत्र का। तो काल भैरव की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इनको जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो दारू का चढ़ाते हैं, और दारू का प्रसाद जो चढ़ाते हैं आप दारू किसी भी टाइप की दारू उनको चढ़ा सकते हो, देसी से लेके जो भी दारू आपको आपकी श्रद्धा भक्ति और आपकी जेब की जो ताकत है उस हिसाब से आप दारू का प्रसाद चढ़ाते हो। और काला धागा विशेष करके नज़र ना लगे इसलिए दुकान पे बांधने के लिए, गेट पे या कहीं पे भी अपनी मोटरसाइकिल पे बांधने के लिए। तो और जो दारू का प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो काल भैरव बाबा पीते हैं, चांदी की उनकी खुद की एक अलग प्लेट है, उस चांदी की प्लेट में वो डालते हैं पंडित जी और वो पूरा का पूरा दारू को पीते हैं, कुछ भी ढुलता नहीं है। लेकिन आज तक कई बार आर्कोलॉजिकल वाले और बड़े बड़े साइंटिस्ट आके उस मंदिर के पीछे खोद के गए हैं कि ये बाबा की जो दारू पिलाते हैं कहीं लाइन तो नहीं डली हुई है, ऐसा काफ़ी कुछ रिसर्च किया, लेकिन अल्टीमेटली किसी को भी सफलता ये नहीं मिली कि नहीं कुछ इसके पीछे स्कैम है या कुछ ऐसा है। मतलब ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि बाबा दारू पीते हैं, और वो जो दारू पीते हैं वो एक तरीके से जो हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म हैं उस कर्म को अपने ऊपर झेलते हैं। वो बोलते हैं कि जो मेरे पास भक्त आए वो भक्त के ऊपर कुछ ना हो, मैं वो दारू के रूप में मैं पी लूँ, और आप लोग दारू मत पियो ऐसी मान्यता है। लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न मान्यता है इसमें, कोई कहता है कि दारू का भगवान को प्रसाद चढ़ाए तो प्रसाद के रूप में पीना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि आप अपना बुराई चढ़ाने आए तो इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी अलग अलग मान्यता है ये काल भैरव। और ये जो प्रसाद है ये भी यहीं पे खा लेना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, प्रसाद ले जा सकते हो। मैं तो सेब भी प्रसाद में आया था सब मैं खींच गया भाई, दारू के साथ जो चकना था चकना के है तो बोला मेरे को भी नहीं मिला। अच्छा मैं खा गया, सॉरी। सेब था ना, सेव और रतलाम सेव था, मेरा फेवरेट है भाई। तो अच्छा थोड़ा बची थी तो मैं बोला यार दारू के साथ चटना था तो ये खा गया। हाँ मैं खा गया तो उसके बाद पान भी खाया। पान सबको बांटा, रे पान सबको बांटा है मैंने। चलो अच्छी back in the hotel, me and DJ after a very long time, and बीच में छोटे को सुलाने वाला है और अंशुल तो उधर ही एडजस्ट हो जाएगा। सोफा में हो जाएगा ना तेरा? पता नहीं यार। हाँ तेरा साइज का ही है सोफा। चलो so we had a lovely time going doing all the darshan, beautiful place और historic है, and DJ ने तो बता ही दिया है हर एक चीज़ का महत्व क्या है। Tomorrow we gonna take the big darshan and उसके बाद कौन सा किधर जाएंगे भाई अपन का? चिंतामन गणेश एंड इसके बाद वी गो बैक टू इंदौर। भाई इंदौर में भी बड़ा गणपति बप्पा है ना रे? वो भी उधर भी जाएंगे हम लोग। सो इट वाज अ वेरी लवली डे। अच्छा है मैं नहीं यार मेरे को बोल रहे बट वी गोना राइड सून बोथ ऑफ अस। कब राइड करने का, किधर जाने का अपने को? महेश्वर जाएंगे। हाँ महेश्वर। महेश्वर किधर है? बाजू में इंदौर से 60 किलोमीटर। अरे नहीं नहीं बाइक राइड राइड कब करेंगे? राइड जब भी अभी लॉकडाउन पूरा खुलेगा सब दूर का लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग राइड करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में राइड करेंगे।
अभी ये तो अक्टूबर एंड है ना, हाँ नवंबर का एक ब्रेक एंड दिसंबर. टिल देन टू ऑल द लवली पीपल स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल. एंड ये हमारा सेशन बराबर चल रहा है बॉस, बाकी सब कैमरा धोखा दिया है. GoPro सेशन बेस्ट कैमरा फॉर मी. बाय बाय. So we are back at DJ's place. Thank you DJ दादा for the lovely दर्शन. क्या भाई दर्शन वर्शन करे है? मैंने कुछ नहीं करा है, ऐसा महाकाल नहीं करवाया था. हाँ जो भी कर महाकाल महाकाल करवाए हैं इनके जरिए हैं, बराबर बोला ना राइट? हाँ मतलब बहुत सारे जरिए से हम लोगों के अच्छे दर्शन, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ. एंड वी आर बैक हियर. आई वॉज सपोज टू लीव टुमारो, लेकिन अभी टुमारो का थोड़ा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि थोड़ा इशू हो गया है. क्या इशू गया बाद में बताऊँगा. And to all the lovely people who are watching this video, I hope you enjoyed the darshan, whatever I could shoot. I hope you enjoyed the darshan. Stay blessed and Jai Mahakal. Jai Shri Mahakal. Jai Shri Mahakal. So, hi guys, this is Divashish again. Thoda issue ho gaya tha ye video pe. I wanted to ride because a lot of people, lot of my lovely viewers, was telling me that दादा कोई वीडियो नहीं आ रहा है. एंड यू नो आई इफ आई एम राइडिंग देन ओनली आई वुड मेक अ वीडियो. सो आई वॉन्टेड टू राइड. अभी ऐसा था कि आई हैड दिस लाइट बैक प्रॉब्लम विच आई वॉज इग्नोरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये सोच के कि हाँ ठीक है ना, वर्कआउट वर्कआउट करता तो फिर थोड़ा तो बैक प्रॉब्लम होगा, तो आई वॉज इग्नोरिंग इट. एंड लास्ट में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैं बोला चलो ठीक है इट्स ओके. एंड देन आई गॉट दैन अपॉर्चुनिटी टू राइड टू इंदौर, तो मैं बोला माइट एज वेल लेट्स राइड. एंड वी रोड टू इंदौर एंड डीजे इज माय लव. 9 months विथ हिम एंड it's a special bonding which I share with DJ and the family. Oh, aisa nahi hai ki DJ is my family. So, oh, it's a very special bond I have with him.
एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू डू अ महाकाल दर्शन आई जस्ट कॉल्ड अप डी जे एंड टोल्ड कि दादा आई एम कमिंग फॉर मेरे को तू अरेंजमेंट करके दे एंड बॉय एंड बॉय ही डिड ऑल द अरेंजमेंट फॉर अस एंड यू मस्ट हैव सीन ऑन द वीडियोज और उसके बाद देर वॉज नथिंग देर वॉज रेडियो साइलेंस ना आई टेल यू वॉट हैपेंड विद मी तो मेरा वो जो बैक प्रॉब्लम ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो गया एंड आई इन माई लेफ्ट थाई मेरा नर्व कुछ तो दब रहा था एंड आई वॉज फीलिंग इट कि मेरा नर्व कुछ दब रहा है सो आई टोल्ड डी जे के मतलब तेरा कोई डॉक्टर है क्या ऑर्थोपेडिक तो आई नीड टू गो एंड कंसल्ट हिम एंड डी जे तो तोड़ फोड़ एक्सपर्ट तो उसने ही टुक इज टू हिज डॉक्टर लवली पर्सन एंड इमीजिएटली बिकॉज इट वॉज नॉट बेरेबल एंड द सेकेंड डे आई वॉज सपोज टू राइड बैक तो बोला कि भाई स्लिप डिस्क का डाउट है MRI करा लो तो दूसरा दिन हम लोग लग पड़े MRI लाइन वाइन लगा के MRI करा के आए और उसके बाद आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट डॉक्टर सेड कि 2 महीने तक बाइक भूल जाओ एंड नो मोर वर्कआउट्स ओनली वॉक एंड स्विमिंग आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट एंड ही सेड दैट ये नॉर्मल पर्सन लोग तो खटिया पकड़ ले लेकिन तुम तो यानी बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव सो यू नो खाली स्विमिंग एंड वॉकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड यू लूज टू यू विल हैव टू लूज मोर वेट सो आई सेड ओके एंड डी जे तो मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया बोला कि घंटा मैं तेरे को गाड़ी नहीं दूंगा तेरी गाड़ी मेरे पास तेरे को तेरे पास रहेगी तो तू गाड़ी चलाएगा बाइक चलाएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द बाइक तो मेरा बाइक जब्त है डी जे भाई के पास इट इज़ अ मिशन फॉर मी नाउ फॉर 2 months I'm gonna be on a workout schedule, on a diet schedule, what he suggested, and I'm gonna be so fit that I'm gonna keep on riding because right now the riding time is there, and I'll miss you guys for 2 months at least. I mean, 8 months jail liye, to 2 months bhi jail lo, aur kya? I have another video which I had driven my Brizza में उदयपुर गया था अगर तुम लोग को इच्छा हो तो जस्ट कमेंट बिलो दैट आई ब्लॉक्ड इट बट आई डिडंट पुट इट बिकॉज इट्स नॉट व्हाट बाइक रिलेटेड सो यू नो आई डिडंट पुट इट बट इफ यू वांट आई कैन पुट इट आई ब्लॉक्ड इट बट आई एडिटेड इट ऑल्सो बट ऐसा नहीं लगा बिकॉज यू नो व्हाट आई डोंट गेट कनेक्टेड विदाउट द बाइक तो मेरा कनेक्शन बाइक ऑडियंस सब सेम है अभी आप लोगों को बताओ कि बाइक रिलेटेड डालूं या ऐसा भी डालूं तो आई डोंट माइंड डूइंग इट मेरे को क्या है कैमरा ही तो उठा के बात करने का तो मैं बात कर लेगा उसमें क्या है बट देन कुल मिलकर ऐसा सिचुएशन है 12 people who are watching this video, stay blessed and I'm going to end this video now. I hope you enjoyed whatever I had to show. The main thing was the Mahakal Darshan and everything. That is what I wanted to show our Indian culture, our Indian beliefs. And I would try to show more on the historics. I want to ride to our historic places and I would like to show more on our Indian history, on our Indian culture. That is what my whole plan is about. Aur duniya ko dikhane ka ki India kitna great aur kitna highly evolved civilization tha. That is what my whole attempt is all about. Wo main eventually main karunga. That is my dream right now. So I want all your best wishes and to all the lovely people who are watching this video stay blessed and love you all and Jai Hind Jai Maharashtra bye one world one ride